हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे शुरुआती हो चुका है, यहां पे स्टॉक में तेजी देखने को मिल चुका है। 900 रुपया मैंने बताया था एक तरह से कि 900 रुपया जैसे ही क्रॉस करेगा और 900 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है स्टॉक, तो यहाँ पे एक बड़ी रैली यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के अंदर, जो आपको यहाँ पे एक बड़ा रिटर्न आपको देता हुआ नजर आएगा। स्टॉक एक तरह से मल्टीबैगर स्टॉक तो है ही है स्टॉक खास करके, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक महीने में 11% का रिटर्न भी दे चुका है ये स्टॉक अभी के टाइम पे, और 6 मंथ में यहाँ पे 0.83% की गिरावट भी देखने को मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 750 से भी नीचे चला गया था, यहाँ पे अभी के टाइम पे 906 रुपये पे पहुंच चुका है वापस ये स्टॉक। अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो 5 ईयर्स में ये स्टॉक ने 152% का रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे एक साल से बेसिकली एक डेढ़ साल से भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में कंटिन्यू 2 सालों से ऑलमोस्ट अगर हम कहें 2022 से ही यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और गिरावट देखने को मिल रहा है। तो लगातार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, लेकिन यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट मुझे लग रहा है मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे स्टॉक है जो एक तरह से एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली यहाँ पे जो एक तरह से हेडविंड्स चल रहा था आईटी सेक्टर में, वो यहाँ पे टेलविंड्स आ चुका है, और यहाँ पे एक तरह से आईटी सेक्टर में आने वाले समय में अगर हम बात करें FY25 के अंदर तो एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर में फिर से। दोस्तों, यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात कर रहे हैं, और हैप्पीएस्ट माइंड्स बेसिकली 2011 में एस्टेब्लिश हुई है कंपनी, और यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेसिकली ये कंपनी। अगर इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इनका एक तरह से प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड काम करती है, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड काम करती है। दोस्तों, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक तरह से आर्टिफिशियल AI पे भी काम करती है, और यहाँ पे यूजर इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड एंड ई-कॉमर्स, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल, हॉस्पिटलिटी, ये सब सारी चीज़ों में काम करती है। दोस्तों कंपनी हैज 244 क्लाइंट्स, इनके पास 244 क्लाइंट्स हैं। आउट ऑफ दिस 57 कंपनीज आर फॉर्चून 2000 और फॉर्ब्स 200 बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी बेसिकली जो 88% है जो रिपीटेड क्लाइंट्स है, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करके देती है। यहाँ पे इंटरनेशनल परजेंस अगर आप देखें इस कंपनी के, तो यहाँ पे बड़े बड़े जगह पे इनका परजेंस है, खास करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इन सारी जगहों पे इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है इस कंपनी का। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी की ये सब सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन यहाँ पे अशोक सुट्टा जो है एक तरह से प्रीवियसली अगर हम देखें तो बड़े पोजीशन पे काम कर चुके हैं। इनकी अगर हम बात करें विप्रो में उन्होंने काम किया है, इसके अलावा LTI माइंडट्री में उन्होंने काम किया है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने काम कर चुका है ऑलरेडी, और इसकी वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, और यहाँ पे उन्हीं के द्वारा ये कंपनी बेसिकली फाउंडेड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैप 13,794 करोड़ के फिलहाल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, और यहाँ पे अगर आप देखोगे P/57 पे है, बुक वैल्यू 97 रुपीज का है, और डिविडेंड यहाँ पे 0.63% यहाँ पे देती हुई नजर आती है कंपनी। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगा, आप ये चीज़ खुद यहाँ पे देख सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें 20% से ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी के जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स ऊपर, यहाँ पे 9.32% आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल, और इनके पास डेप्ट देखें तो यहाँ पे कम है 0.35%, तो एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास डेप्ट इक्विटी कम है। यहाँ पे EPS 16.30 रुपये का जनरेट करती है, और डेप्ट 512 करोड़ का है, और इनके पास अगर आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग है जो 50% से ज़्यादा है, यहाँ पे प्रमोटर अपने पास रखे हुए हैं। प्लेजिंग परसेंटेज 7.17% है, जो एक यहाँ पे हमें निगेटिव पॉइंट लगता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिजर्व की, तो 1450 करोड़ इनके पास रिजर्व भी रखा हुआ है। RSI एक बुल्ली सभी के टाइम पे नजर आ रहा है इस स्टॉक पे लेके, और यहाँ पे ग्राम नंबर प्राइस है जो 189 रुपये फिलहाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर 5 की देखने को मिलता है, और DIS और FIS की होल्डिंग अच्छी खासी इसके अंदर देखने को मिलता है फिलहाल। दोस्तों इसी के बाद पे अगर हम बात करें आगे यहाँ पे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, खास करके यहाँ पे किनके पास कितना कितना यहाँ पे होल्डिंग है,
तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रमोटर हैं ऑलमोस्ट 50% होल्डिंग 50% से ज़्यादा रखे हुए हैं, लेकिन रिसेंटली FIs हैं जो बिकवाली किए हैं और DIs हैं जो थोड़ी सी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। पब्लिक के पास यहाँ पे इंक्रीज हुआ है होल्डिंग, और यहाँ पे कंटिन्यू एक तरह से देखें तो होल्डिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पब्लिक के पास। तो पब्लिक यहाँ पे अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, और इसके साथ साथ देखें तो अदर्स की जो होल्डिंग है थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो Q4 क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल्स तो काफी अच्छा रहा। अब सेल्स में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 378 करोड़ से 417 करोड़, लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो बेसिकली मार्जिन है उसके अंदर गिरावट देखने को मिला। 20% की मार्जिन के साथ अभी कंपनी यहाँ पे सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे तो कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है जो मार्च 2023 का 9 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे 2024 में आपको 10 करोड़ इंटरेस्ट जाता हुआ नजर आया, यानी मतलब यहाँ पे डेप थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ कंपनी का जो एक तरह से प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी 58 करोड़ मार्च 2023 में कंपनी प्रॉफिट की थी, लेकिन यहाँ पे 72 करोड़ कंपनी प्रॉफिट करती हुई नजर आई, क्योंकि सेल्स अच्छा की थी कंपनी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट भी की अच्छा। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो चीजें आपको देखने को मिल रहा है कंपनी 2 सालों में, तो यहाँ पे मार्च से अगर आप देखो मार्च 2022 से, तो यहाँ पे शेयर प्राइस अपसाइड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे 2 सालों में कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा इंक्रीज किया है। हालांकि यहाँ पे आप मार्जिन देखें तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मतलब कि 20% से ऊपर ही है। यहाँ पे अगर आप इस बात पे भी फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस का नहीं बढ़ा है, तो यानी मतलब कि यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे शेयर प्राइस अब बढ़ने की चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, जो बहुत लंबे समय तक एक तरह से यहाँ पे एक तरह से कंसोलिडेशन कर चुकी है कंपनी। इसके साथ साथ बैलेंस शीट पे अगर आप नज़र डालें तो बैलेंस शीट में रिसेंटली बोरोइंग यहाँ पे आप देखेंगे मार्च से मार्च 2024 में यहाँ पे जो एक तरह से 534 करोड़ से 512 करोड़ होता हुआ नजर आया है, जो पिछले मार्च 2022 में 250 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी अपना रिजर्व भी बढ़ाई है, और CWIP में वर्क तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखने को मिला था पिछले साल, लेकिन अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे CWIP में वर्क देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे दोस्तों जो टारगेट आने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, तो होपफुली एक साल के अंदर अंदर ये 1500 रुपया टच कर लेगी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर। तो यहाँ पे 1500 का टारगेट लेके चल सकते हैं एक साल के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा मल्टीवैगर स्टॉक साबित हो सकता है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने आप स्टॉक पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन नहीं किए तो अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप हमने अकाउंट ओपन करें 200 रुपीज का रिवॉर्ड्स पाए। यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे पिंग करना होगा आके, मैं हर बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक तरह से बात करें तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आप अपने एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों थैंक यू, दोस्तों थैंक यू।